सपोज आपके पास एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, म्यू एस की वैल्यू 0.5 है, म्यू के की वैल्यू 0.4 है, 10 केजी का ब्लॉक है और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई 500 न्यूटन। आपको ये बताना है, या सपोज मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई सिर्फ 50 न्यूटन, आपको बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन है। तो पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि बॉडी अपनी जगह से मूव करेगी या नहीं करेगी। उसके लिए क्या ढूंढा जाता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ढूंढी जाती है। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे इसमें, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका वेट क्या है, एम जी, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0.5 इनटू एम इनटू जी। तो आंसर कितना आ रहा है, 50 न्यूटन। तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी क्योंकि रिक्वायरमेंट कितनी है मूव करने के लिए, 50, हमने भी कितनी लगाई, 50। तो बॉडी मूव नहीं करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी काउंट होगी, ऑप्शन क्या मार्क करोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है। इसमें तो बहुत आसान है मार्क करना क्योंकि लगाई भी 50 है भी 50, इसके अलावा तो कुछ दिख भी नहीं रहा, आंसर 50। लेकिन अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई होती 40 न्यूटन, मान लो, अब फ्रिक्शन क्या लिख के आते हैं आप, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 40 न्यूटन इज द आंसर। तो अगर मैंने 40 न्यूटन लगाई होती तो आपका आंसर 50 नहीं होता, आपका आंसर 40 होता, जो अप्लाइड फोर्स है वही क्या बन जाती, फ्रिक्शन। ये पॉइंट क्लियर है। और अगर मैंने ये फोर्स कितनी लगाई होती, लेट अस सपोज 400 न्यूटन, अब ये फ्रिक्शन ना होती, अब फ्रिक्शन कौन सी होती, काइनेटिक, क्योंकि 400 न्यूटन इज ग्रेटर देन 50 न्यूटन। तो हमें ये पता लग गया ये बॉडी अपनी जगह से हिलेगी, स्लाइड करेगी, और अगर ये बॉडी स्लाइड करेगी तो इसके पास कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू के की वैल्यू 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन 10 इनटू जी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी काउंट होती, 40 न्यूटन इज द आंसर। तो ये दो आंसर पता लग गए कि कब कौन सा आंसर देना है। तो अगर ये मूव नहीं कर पाती तो फोर्स अप्लाइड ही फ्रिक्शन है, अगर ये स्लाइड कर पाती तो इसका मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो आपका फाइनल आंसर। कोई डाउट इसमें, एक बार काइनेटिक में आ गई तो बिल्कुल एक्सेलरेट करेगा वो। देखो चलो सपोज अगला क्वेश्चन है, मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो मैंने फोर्स क्या लगाई, 400 न्यूटन, मान लो मैंने फोर्स लगाई 400 न्यूटन। अगला क्वेश्चन बनेगा तो ये स्लाइड करेगी, तो स्लाइड करेगी तो इसकी एक्सेलरेशन बताओ। जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्सेलरेशन, तो स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं हो सकती। तो अब इसमें मेरा आंसर ऐसा बनेगा, इसकी मेरे को ज़रूरत ही नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से। मैं इसमें ऐसा नेक्स्ट पार्ट ये करूँगा कि यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एक्ट करेगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कितनी, 40 न्यूटन हमने कैलकुलेट कर ली। अब अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम आगे की फोर्स कितनी है, 400, पीछे की फोर्स कितनी है, 40, और क्योंकि बॉडी आगे की फोर्स बढ़ी है तो एक्सेलरेट करेगी, तो क्वेश्चन आएगा एक्सेलरेशन निकालो। तो आगे की फोर्स यानी कि बड़ी फोर्स माइनस पीछे छोटी की फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आएगा। और फिर वो काइनेमेटिक से अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन पता है तो बताओ कि टी 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई। फिर काइनेमेटिक्स भी लग सकता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वो उसकी मर्जी है पूछने वाले की। बट यहाँ तक क्लियर है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी काइनेमेटिक्स में, और इसमें यही तो फर्क है। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या फर्क था, काइनेमेटिक्स में हम ये कंसिडर नहीं करते थे कि किसने एक्सेलरेशन जनरेट की और कितनी फोर्स ने एक्सेलरेशन जनरेट की, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन दी होती थी। इस चैप्टर में हमें एक्सेलरेशंस
निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद एक्सेलरेशन निकलेगी, उसके बाद अपना मोशन की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। बट पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें। अगली प्रॉब्लम लिखें, सपोज आपके पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है, और इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30। सपोज इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक 100 केजी का ब्लॉक है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, म्यू एस की वैल्यू 0.5 है, म्यू के की वैल्यू 0.4 है। अब क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है, ये बॉडी मुझे पता नहीं नीचे उतरेगी कि नहीं उतरेगी, उतर भी सकती है, स्लाइड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अगर नहीं करेगी तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी, और अगर करेगी तो बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगी। इन द एंड क्वेश्चन है मार्क या फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ये क्वेश्चन है। एक डायग्राम तो स्टैंडर्ड इसमें बनना ही बनना है, कौन सा, एम जी कॉस और एम जी साइन, ये वाला डायग्राम, ये तो आपने बनाना ही बनाना है अलोंग विद नॉर्मल रिएक्शन। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये वेट क्या हो जाएगा 100 जी, ये क्या हो जाएगा 100 जी इंटू कॉस ऑफ 30, और ये क्या हो जाएगा 100 जी इंटू साइन ऑफ 30, और ये क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n। ये तो हर इंक्लाइन प्लेन के डायग्राम में बनना ही बनना है। ठीक है यहां तक, तो क्या ये स्टेप क्लियर है? तो एक ब्लॉक है, ब्लॉक 100 केजी का ब्लॉक है, वो नीचे आ रहा है, उस पर नीचे की फोर्स लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और ये डायग्राम है। अब मेरे को नहीं पता, देखो अगर फ्रिक्शन ना होती तो ये 101% 100 केजी का ब्लॉक नीचे आता ही आता, पर फ्रिक्शन इस केस में लगी हुई है तो मैं बोल नहीं सकता कि नीचे आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। और अगर मुझे चेक करना है तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो याद नहीं करने की एम जी होता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां पर चेंज है। बोलो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, 100 जी कॉस 30। तो यहां से आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लें, म्यू एस की वैल्यू आपको पता है 0.5 है, नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है 100 जी कॉस ऑफ 30 है, तो यहां पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करें, 0.5 इंटू 100 इंटू जी की जगह 10 रूट 3/2। जरा एक बार सॉल्व करके देखें और मुझे बताएं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, नहीं रूट थ्री को भी सॉल्व करके बताएं, रूट थ्री 1.732 है, मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आंसर है। कितने 4.3 पॉइंट समथिंग ऐसे, कितने लोगों का 4.32 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यही आ रहा है 4.32 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि 4.32 पॉइंट समथिंग, ओके चलो कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ 4.32 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कोई बात नहीं, वो इसलिए कोई बात नहीं, मेरे को अंदाजा ही चाहिए, मेरे को एग्जैक्ट चाहिए भी नहीं है, चलो इसके आसपास है। जी को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ आपने, चलो दो मिनट रुको, देखो इसमें इसको मल्टीप्लाई करके 50 आएगा, है ना, इसको 50 आएगा, मल्टीप्लाई करके 500 आएगा, 25 आएगा, हाँ यार 43.2 के आसपास आना चाहिए आंसर ये,
433 point something, ठीक है। चल अब क्वेश्चन वो नहीं है, मेरे को इसको हिलाने के लिए इतनी न्यूटन की फोर्स चाहिए अंदाजे से। अब ये बताओ कि इस ब्लॉक को नीचे कौन सी फोर्स लेके आ रही है, 100 g sin 30। तो इस ब्लॉक को जो अप्लाइड फोर्स है, ऐसे बोल सकते हैं ये मेरी अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो इसको नीचे लेके आ रही है वो है 100 g sin of 30। तो 100 g की जगह 10 और साइन 30 की जगह हाफ, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 500 न्यूटन आ रहा है। अब मेरे को साफ पता लग रहा है नीचे लाने की फोर्स काफ़ी बड़ी है 500, और इसको मिनिमम फोर्स चलाने के लिए कितनी चाहिए, 432 के आसपास। तो ये बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आएगी, तो रुकेगी नहीं, स्लाइड करती हुई नीचे आएगी। और अगर ये स्लाइड करेगी तो कौन सी फ्रिक्शन आंसर है, काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन 100 g into cos of 30। तो तुम इसमें म्यू के की वैल्यू पुट कर लेना 0.4 और मल्टीप्लाई करके काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है। और अगर ये भी सुन लो, अगर ये फोर्स कम होती तो कौन सी फ्रिक्शन आंसर होता, स्टैटिक, तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन आंसर होता। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर ये फोर्स कम होती तो स्टैटिक फ्रिक्शन आंसर होता, रादर जो फोर्स अप्लाइड है वही मेरी फ्रिक्शन हो जाती। जैसे मान लो इसकी वैल्यू, अगर मान लो ये मेरा आंसर 432 ना आता और मेरा आंसर 700 आता, तो इस बॉडी को मान लो हिलाने के लिए 700 न्यूटन की फोर्स चाहिए, पर अप्लाइड फोर्स कितनी है 500, तो फ्रिक्शन क्या मार्क करके आते। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस बॉडी को चलाने के लिए मिनिमम फोर्स 700 चाहिए होती मान लो, और मैंने कितनी अप्लाई की नीचे की तरफ 500, तो फ्रिक्शन का आंसर क्या होता, 500 ही होता, क्योंकि जो फोर्स अप्लाइड है वही क्या बन जाती, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द आंसर। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है कि कैसे आंसर दे रहे हैं। तो अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनके अंदर मैं ही डिसाइड करवा रहा हूं कि बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी। और मैंने आपको ये बताया था कि अच्छी बात ये है, 99% क्वेश्चंस में आपको गिवन होता है कि बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी, आपको चेक नहीं करना होता। 1% क्वेश्चन है जिसमें चेक करना पड़ेगा। ज़्यादातर केसेस में बॉडी चलती ही दिखती है, और चलती है तो कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक। तो ज़्यादातर क्वेश्चन काइनेटिक के दिखेंगे, या वो बोलेगा कि बॉडी नहीं चल रही, वो बोल देगा बॉडी नहीं चल रही, फिर काइनेटिक का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर पक्का स्टैटिक ही लगेगी। तो 1% क्वेश्चन है जिसमें चेक करना पड़ता है, अदरवाइज हमें चेक नहीं करना पड़ता। पर मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो चेक करना पड़े तो चेक करना कैसे। और ज़्यादातर जिन क्वेश्चन में म्यू एस गिवन होता है स्टैटिक, उनमें तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि जानबूझ के वो म्यू एस देता ही तब है कि वो चेक कर सको, अदरवाइज म्यू एस का कोई काम नहीं है। अदरवाइज वो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन ही देता है, तो काइनेटिक का फ्रिक्शन म्यू के दे रहा है, फिर सोचना क्या है, इसका मतलब बॉडी तो चलेगी चलेगी, बात ही खत्म है। तो क्या ये रूल सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें?